लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। देश की आर्थिक मंदी का असर अब देश के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर भी दिखने लगा है। जो ट्रक पहले 30 दिन चलता था, अब वह औसतन 18 से 20 दिन ही चल पा रहा है। यह मंदी का ही असर है कि ट्रांसपोर्ट के माल लाने और ले जाने का ऑर्डर नहीं मिल रहा। ऐसे में माल ढोने वाले ट्रक धीरे धीरे सड़क से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन ट्रकों के धंधे में लगे लोगों के लिए शुभ नहीं लगता। अभी तो महीने में 2-3 सप्ताह का काम मिल रहा, लेकिन जो आर्थिक हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ट्रक व्यवसाय से जुड़े 5 करोड़ परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ सकती है। इनमें ट्रक मालिक, चालक, क्लीनर और ऑफिस कर्मचारी आदि शामिल हैं। लाइव कोलकाता न्यूज़ की टीम ने देश के इसी मंदी के असर की पड़ताल पे कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पे निकल पड़ी। उस दौरान जो कुछ भी हमारी टीम के सामने तथ्य आए वे बेहद चौंकाने वाले थे। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर पड़ रही मार के कारण हमारे सामने आए, अगर मैकेनिक टायर शॉप, रोड साइड पर पंक्चर लगाने वाले और सर्विस सेंटर को मिला लें तो प्रभावित परिवारों की संख्या 7 करोड़ के पार पहुँच जाएगी। ट्रक व्यवसाय पर पड़ रही मार के कई कारण हैं। पहला, मार्केट में नई मांग नहीं आ पा रही। लंबी दूरी के ट्रक ट्रॉले ऑर्डर के इंतजार कर रहे हैं। ये वे ट्रॉले हैं जिनमें भारी मशीनरी जैसे वाहन या मशीनें आदि का लदान होता है। पार्किंग या ट्रक यूनियन वाली जगहों पर खड़े ट्रकों की लाइन अब लंबी होती जा रही है। सरकार की GST नीति के तहत 25% अधिक लदान की छूट ने भी मंदी की मार को बढ़ा दिया है। GST के बाद छोटी वाहनों को तो बिल्कुल काम नहीं मिल पा रहा। दूसरी ओर पिछले साल GST की 28% छूट के चलते लोगों ने खुद के हैवी ट्रक खरीद लिए थे। ओवर कैपेसिटी की समस्या पैदा हुई। बैंकों ने दिल खोलकर लोन दिया तो वहीं टाटा जैसी कंपनियों ने भारी छूट भी दे दी। इससे बाजार में ओवर कैपेसिटी की समस्या पैदा हो गई। वाहनों की उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन छूट और लोन की सुविधा के चलते मार्केट में नई वाहनों की संख्या बढ़ गई। बड़ी ट्रांसपोर्ट संगठन ने अब ट्रकों की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एक तरफ डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर का सेस लग गया तो दूसरी ओर इंश्योरेंस में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके चलते ट्रक कारोबारी अपने धंधे का विस्तार करने के बजाय उसे समेटने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। परेशानी सर यही है, बाजार मंदी हो गया है, भाड़ा वगैरह नहीं आ रहा है, ऐसा डीजल का दाम बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कागज टैक्स फिटनेस सभी किस्ती भी नहीं उठा पा रहे, मालिक लोग ड्राइवर को तनख्वाह नहीं सही से दे पा रहा है, यही सब कारण है सर। महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कारण क्या बताए सर, सब दिन तो खड़ी रहती है। बाजार ऐसा हो गया कि इंश्योरेंस टैक्स इतना बढ़ गया है कि हम लोग का तो किस्ती देना मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी इस तरह से हम लोग तो पेट पर आफत हो गया कि एक महीना में एक भाड़ा आती है, उसमें भी हम लोग 10 जन लटक जाते हैं, फिर भी वो भाड़ा कम, जितना भाड़ा होता है उससे कम में हम लोग के जाने पड़ता है। कंपटीशन बाजार हो गया, इसका बाद इतना भी इंश्योरेंस टैक्स ये सब वगैरह बढ़ गया है कि हम लोग का तो इसी तरह माने खाने पर जुल्म हो गया है। इसी तरीके से कोई सूरत से गाड़ी घोड़ा लिए कि बिजनेस चलेगा, लेकिन इस पर भी आफत आ गया है। और इस पर ऐसा आफत आया कि हम लोग का घर में खाना नहीं जुट पा रहा। आज खा रहे तो कल के लिए सोचना पड़ रहा, महीना महीना दिन गाड़ी खड़ा रह जा रहा। फाइनेंसर वाला वो छोड़ता नहीं है, फाइनेंसर वाला जहाँ पाता है वहाँ गाड़ी रोक लेता है। उसको क्लियर कीजिए तब फिर आपका गाड़ी छोड़ता है। ड्राइवर का भी बहुत कमी है, ड्राइवर का तनख्वाह पेमेंट सैलरी नहीं दीजिएगा भाग जाता है ड्राइवर।